तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टॉपिक है जी टॉप 10 मोस्ट 12 सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो एक्सप्लोर इंडिया इनके चैनल का नेम है जिनकी ये वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है ओरिजिनल वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। और बाकी यार वीडियो को जो है वो एंड तक देखिए ताकि आप जो है वो देख सकें कि मोस्ट 12 सिटीज़ जो है वो कौन सी हैं इनकी। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है वो साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और वीडियो को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, दोस्तों आपका स्वागत है एक्सप्लोर इंडिया में। तो दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा, और दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर भारत की 10 ऐसी सिटी जो सबसे ज़्यादा डेवलप है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा डेवलप है। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। सो लेट्स एक्सप्लोर इंडिया। सो दोस्तों नंबर 10 पे आता है यहाँ पर वाइजैग या विशाखापट्टनम। तो दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल हब है, और दोस्तों अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो 43.8 बिलियन US डॉलर इसकी जीडीपी है। और दोस्तों विशाखापट्टनम अगर हम वर्ल्ड रैंक की बात करें वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी की, तो विशाखापट्टनम रैंक करता है 122 पे। सो गाइस नंबर 9 पे आता है यहाँ पर सूरत। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सूरत को द डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों सूरत एक पहली ऐसी सिटी है इंडिया की जिसमें रोड टू रोड सीसीटीवी कैमरा अप्लाई किया गया है। दुनिया के 90% डायमंड सूरत में ही पॉलिश और शेप में दिए जाते हैं दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे इसी वजह से जो अमेरिका जिसका नाम डायमंड सिटी है, तो दोस्तों उसमें सूरत टॉप 5 में रैंक करता है। सो गाइस सूरत की जीडीपी है 59.8 बिलियन US डॉलर। नंबर 8 पे आता है यहाँ पर अहमदाबाद। तो दोस्तों अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल है, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट भी है। और दोस्तों अगर हम जीडीपी की बात करें यहाँ पर तो 68 बिलियन जीडीपी है 68 बिलियन डॉलर। और अगर हम वर्ल्ड मोस्ट डेवलप अर्बन कम्युनिटी लिस्ट की बात करें तो दोस्तों अहमदाबाद 105 पे रैंक करता है। सो नंबर 7 पे आता है यहाँ पर पुणे। तो पुणे एशिया पैसिफिक रीजन की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी है। और दोस्तों यहाँ पर इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नंबर बहुत ही ज़्यादा हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो पुणे की जीडीपी है 69 बिलियन US डॉलर। सो नंबर 6 पे आता है हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, और दोस्तों इसको इंडिया की बेस्ट सिटी माना गया है अकॉर्डिंग टू लिविंग की बात करें अगर हम। और अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो दोस्तों 75.2 बिलियन US डॉलर हैदराबाद की जीडीपी है, और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भी हैदराबाद में ही है। सो नंबर 5 पे आता है यहाँ पर चेन्नई। चेन्नई सेकंड लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर है इंडिया का। और दोस्तों सिपकोट आईटी पार्क एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क है जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। चेन्नई चौथी सबसे बड़ी और सबसे घनी आबादी वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया की। और दोस्तों अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो 86 बिलियन US डॉलर चेन्नई की जीडीपी। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो दोस्तों चेन्नई को 31st रैंक दी गई है पूरे वर्ल्ड में। सो नंबर 4 पे आता है यहाँ पर कोलकाता। कोलकाता कोलकाता को द सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और दोस्तों कोलकाता मेट्रो भारत की पहली एक अंडरग्राउंड मेट्रो है जो इंडिया में चलाई गई है। और दोस्तों ये चौथी सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी है इंडिया की अगर हम जीडीपी की बात करें तो कोलकाता की जीडीपी है 170 बिलियन US डॉलर। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। और दोस्तों अगर हम वर्ल्ड मोस्ट अमंग अर्बन कम्युनिटी की लिस्ट की बात करें तो दोस्तों 42 रैंक दी गई है कोलकाता को रॉयल बंगाल।
सो नंबर थ्री पे आते हैं यहाँ पर बैंगलोर, द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। इंडिया और दोस्तों बैंगलोर को उसके क्लाइमेट से और आईटी पार्क और नाइट लाइफ से जाना जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है और तीसरी भारत की सबसे डेवलप्ड सिटी है। और दोस्तों अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो दोस्तों 197.4 बिलियन यूएस डॉलर बैंगलोर की जीडीपी है। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंजीनियर्स पाए जाते हैं। जो वाले नंबर सेकंड पे आता है यहाँ पर मुंबई। तो दोस्तों सिटी ऑफ ड्रीम्स और फाइनेंशियल बहुत से नामों से मुंबई को जाना जाता है। सिटी जो कहते हैं कभी नहीं सुनती। इसकी जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो दोस्तों मुंबई की जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट है 6%। और दोस्तों मुंबई दुनिया की 37th रैंक करती है अगर हम जीडीपी की टर्म्स में देखें तो। और दोस्तों मुंबई भारत की दूसरी मेट्रोपॉलिटन बेस्ट सिटी है। पहले नंबर पे दिल्ली होगी। सो नंबर वन पे आता है यहाँ पर दिल्ली। तो दोस्तों न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। दोस्तों ये सेकंड रैंक करती है दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी में। और अगर हम इसकी जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात करें तो दोस्तों 8.7% यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रेट है। और दोस्तों दिल्ली मेट्रो सिस्टम को दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट मेट्रो सिस्टम बताया गया है। तो दोस्तों दिल्ली इंडिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है अगर हम जीडीपी की टर्म्स में बात करें दोस्तों। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो दिल्ली की जीडीपी है 370 यूएस डॉलर। सो गाइस वीडियो यहीं समाप्त होती है, हमारा अंदाजा गलत था। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ बताना हो तो दोस्तों आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ जी, तो गाइस ये था आज का वीडियो। और एक्सप्लोर इंडिया वालों ने अपने हिसाब से काफ़ी जो है वो अच्छा वीडियो बनाया हुआ था। तो इसमें जो है उन्होंने हमें बताया कि इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं और डेवलप्ड सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उनमें टॉप 10 सिटीज़ जो हैं उन्होंने हमें दिखाई हैं। तो यार सारी सिटीज़ जो थी काफ़ी डिवेल्प थी और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड थी, ठीक है ना। जीडीपी भी सबकी अच्छी थी। दिल्ली सबसे पहले नंबर पे आ रहा था, हमने सोचा था कि जो है मुंबई सबसे पहले नंबर पे आएगा क्योंकि मुंबई जो है काफ़ी बड़ी सिटी है। लेकिन इसमें हमें पता चला है कि जो दिल्ली है वो सबसे बड़ी सिटी है और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी है और वर्ल्ड पे दूसरे नंबर पे आती है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में से। तो बाकी जीडीपी भी इसकी जो थी सबसे ज़्यादा थी। और बेंगलोर जो है वो इनका सबसे बड़ा आईटी हब उधर ही है। और पुणे, पुणे में जो इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो और एक हमने नई सिटी आज देखी, सूरत सिटी, जिसको जो है वो डायमंड सिटी भी कहते हैं। उसका नेम जो है वो पहली दफ़ा सुना है, इससे पहले तो नहीं सुना था। उस पर भी जो है हम रिएक्शन देंगे अपना कि वो जो है वो कैसी सिटी है। बाकी ये जो सारी सिटीज़ थी इस पर अप्रोक्सीमेटली जो है हमने अपना रिएक्शन दिया हुआ है। अगर आपने देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप जो है वो रिएक्शन देख सकते हैं इनके ऊपर हमारा। तो यार ओवरऑल जो वीडियो थी काफ़ी अच्छी थी और सारी सिटीज़ जो थी डेवलप सिटीज़ थी। तो इसी के साथ जो है यार आज की वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमारा चैनल जो है यार सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ जो है आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अपनी राय के बारे में भी या अपने सजेशन जो है वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।